हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक डेली क्वेश्चन है, जो ये डेली क्विज क्वेश्चन ये मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और इसमें डेली मैं एक क्वेश्चन दूंगा एप्टीट्यूड का, और उसके बाद मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी आपको क्वेश्चन डेली अपलोड करके, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में डेली टेलीग्राम में और हर जगह यूट्यूब में लिंक्डइन में सब जगह अपडेट कर दिया करूंगा। तो इससे आई होप कि आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखोगे डेली डेली, थोड़ा पुश करोगे, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है। एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि उतना टफ भी नहीं आता है, तो आपको काफ़ी आसानी पड़ जाएगी इसमें मार्क्स लाने में। और मार्क्स चाहे एप्टीट्यूड के हों या टेक्निकल सब्जेक्ट के हों, मार्क्स मार्क्स होते हैं। वो IIT जाने में आपको या एप्टीट्यूड की मदद से जाओ या टेक्निकल की, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डेली क्विज का, और डेली आएंगे क्वेश्चंस। आप लोग ऐसा मत सोचना कि अभी 1-2 दिन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर डेली एक क्वेश्चंस अपलोड कर दिया करूंगा मैं, तो आप लोग उसको ट्राई जरूर करना और उसका सॉल्यूशन शेयर करना टेलीग्राम में। डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं कई लोग, 3-4, इस तरीके से नहीं। आप अप्रोच बताओ, आप और सॉल्यूशन शेयर करो, फिर मैं उसको देखूंगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो, अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर द डिफरेंसेस ऑफ हुज स्क्वायर इज एक्स वाई ओ सॉरी इज 50। तो पेयर का मतलब है आपका नेचुरल नंबर आपका होता है जो 0 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। पेयर का मतलब है कि हमें चाहिए एक्स वाई, हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक्स कॉमा वाई के पेयर चाहिए जो कि बेसिकली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका नेचुरल नंबर हो, ये भी आपका नेचुरल नंबर हो, तभी आपके दोनों चीजें नेचुरल नंबर होंगी। पेयर का मतलब पेयर में नेचुरल नंबर तभी होंगे जब आपका फर्स्ट वाला भी नेचुरल नंबर हो, सेकेंड वाला भी आपका नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि अगर हमारा एक्स है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमारा ये है वाई, तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले और फिर इनका डिफरेंस लेते हैं, तो वो आएगा हमारा 50। ठीक है, इसके बाद मैं इसको करता हूँ एक्स प्लस वाई। ये आपको फॉर्मूला याद ही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसके पेयर बनाना कि ये वैल्यू कौन कौन सी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप लोग चाहो यहाँ पे लगा है मल्टीप्लाई का सिंबल, तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, तो फिर यहाँ पे आपको 50 लेना पड़ेगा, कि 1 × 50 आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, तो फिर आपको 25 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका 50 होगा। आप यहाँ 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का मल्टीपल कुछ भी नहीं है हमको। वैसे एक्स प्लस वाई भी हमें नेचुरल ही फाइंड करनी है, हम पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज एक्स वाई की वैल्यू भी हमें पॉइंट्स में नहीं मिलेगी, वो सॉरी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई नेचुरल है, इसका जरूरी नहीं है कि एक्स एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू हो वो नेचुरल नंबर हो, वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नेचुरल नंबर हो। क्यों? क्योंकि आप 0.5 x को मान लो और 0.5 y को मान लो, एक्स प्लस वाई करोगे आप तो क्या पा जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो ये तो पूरा नेचुरल नंबर एक्स प्लस वाई, बट इंडिविजुअली एक्स इंडिविजुअली नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी इंडिविजुअल नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये नेचुरल नंबर है आपका एक्स प्लस वाई। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक्स प्लस वाई को हम नेचुरल नंबर ही माने। अगर ये नेचुरल नंबर एक्स प्लस वाई नेचुरल नंबर दोनों मिलके नेचुरल नंबर अगर नहीं होगा, तो इंडिविजुअल नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, 5 आप लोगे तो फिर यहाँ पे आपको 10 करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग जस्ट इसका रिवर्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट इन द सेंस, चलो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, रिवर्ट इन द सेंस की 10 × 5 कर लो, 25 × 2 कर लो आप, और 50 × 1 कर लो। ठीक है, और ये आपका ये पेयर हो गया। ये किसका है? ये है साइड एक्स प्लस वाई का, एक्स वाई नहीं है, एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तभी तो आप इसका मल्टीप्लाई 50 बना पा रहे हो ना। ठीक है, अब कोई भी पेयर आप ले लो, एक्स प्लस वाई का, एक्स एक्स माइनस वाई का। तो सपोज करो कि मैं सॉरी एक्स प्लस वाई की जगह 1 लेता हूँ, फिर स्टार्टिंग वाला आपको दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग का एक्स प्लस वाई बराबर 1 लेता हूँ, एक्स माइनस वाई बराबर मैं 50 लेता हूँ,
इनको ऐड करूंगा तो 2x बनेगा। 2x कितना हो जाएगा, 51। x का वैल्यू जो आपका आएगा, 1 सेकेंड, x का वैल्यू आएगा आपका 51/2। x का वैल्यू है जो, वो नेचुरल नंबर नहीं है, x का वैल्यू नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, पॉइंट में आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं बचेगा फिर, ठीक है। अगर x का वैल्यू पॉइंट नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब पुट करेंगे, तो y का भी आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। और वैसे भी हमें एक्स वाई का जो पेयर चाहिए ना, उसमें हमें नेचुरल नंबर पेयर चाहिए, तो एक्स का भी नेचुरल नंबर चाहिए, तो वाई का भी फिर नेचुरल नंबर ही हमें चाहिए। अगर हमने एक्स का नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर वाई का निकालने की हम वैसे भी नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके शॉर्टेस्ट अप्रोच लगानी है, कम से कम टाइम में क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ तो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि क्यों टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे विद इन अ मिनट कर लोगे, आप 30 सेकेंड में कर लोगे इसको, या भी 1 मिनट में तो आराम से कर लोगे, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसके अलावा भी अगर आप एक्स प्लस वाई बराबर कितना लोगे, 2 लोगे, एक्स माइनस वाई बराबर 25 लोगे, तो यहाँ पे भी आपको 2x बराबर 27 मिलेगा। दैट मीन्स कि एक्स बराबर आपको 27/2 मिलेगा, ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है, वाई का निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप निकाल सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वाई का आपको निकालने के लिए, चलो मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, इसमें आ जाएगा 5x-y=10। आप लोग बोलोगे कि भैया एक्स एक्स का ही क्यों निकाल लो, वाई से क्या दुश्मनी है, वाई का भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का निकालने के लिए यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई फाइव, या यहाँ पे -10 हो जाएगा, सॉरी -5, सॉरी -5 हो जाएगा, -5/2। ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट पेयर थे जो मैंने ग्रीन से कर रखे थे, 1 सेकेंड, जो फर्स्ट पेयर थे वो मैंने आपको बता रखे हैं, ये वाले, ये मैंने बता दिया, इसमें कोई भी हमें एक्स का वाई का कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो एक्स या वाई की, आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, मतलब नॉट नॉट बिलोंग टू एन मिलेगी आपको। ये क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम एक्स या वाई को ऐड कर रहे हैं ना, तो हमको ऑड नंबर मिल रहा है। जब भी हम एक्स या वाई को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्स या वाई को जब हम ऐड कर रहे हैं, जैसे हमें 2x मिल रहा है तो वो भी ऑड मिल रहा है, और 2y मिल रहा है तो वो भी हमें ऑड मिल रहा है, ऑड मिलेगा, ऑड का डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो ऑड ही देगा, ऑड नहीं देगा, मतलब डेसिमल में आएगा, वो वैल्यू प्रॉब्लम कर जाएगी, बट ऑड मिलेगा तो वो कट नहीं होगा, कट नहीं होगा प्रॉपरली, 2 से डिविजिबल/2 नहीं होगा, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपरली उसका डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट्स में आपका बचेगा, जैसे यहाँ पे था ना 51/2, तो इसको आप करोगे तो 25 टाइम्स कुछ भी जाएगा फिर इसका, है ना, तो वो आपको ध्यान देना है कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आप लोग कैलकुलेशन पे मत जाना, बाकी आप आराम से देखना कि आपका क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आप लोग प्रॉपरली ध्यान देना, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की वो आप फुलफिल करना, बाकी मैथमेटिक्स आप आगे कहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पे चलता हूँ, 1 सेकेंड, ओके, तो इसके आंसर पे चलता हूँ, इसका आंसर है कि एक्स वाई का हमें कोई भी पेयर नहीं मिला है, मतलब इसका नन ऑफ द एबव, इसका आंसर है एक्स वाई का हमें कोई भी पेयर नहीं मिला है, जो कि इस क्वेश्चन की कंडीशन है, x²-y² बिलोंग्स टू सॉरी 50, ये कंडीशन फुलफिल करे, एक्स वाई का हमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक मैं आपको बोनस क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क कह सकते हैं आप लोग अपने लिए,
होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें एक्स वाई का पेयर फाइंड करना है दैट आर बिलोंग्स टू एन। सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 40 की जगह यहाँ 45 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम में भी आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर देना, ठीक है, आंसर इसका जरूर देना। इससे आप लोग कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस देखते ही आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर की पूछा क्या गया है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है, पेयर का मतलब होता है दो, पेयर चाहिए हमें, क्या चाहिए इस तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ मैं। पेयर आपका जो है वो एक्स वाई टाइप में हमें चाहिए। अभी जो लिखा है द डिफरेंसेस ऑफ हूज स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि पहले आप डिफरेंस कर लो फिर स्क्वायर करो। तो a50 है, a50 ऐसे मत लिख देना, क्यों, क्योंकि वो फिर आपका जो आपने क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप समझोगे तभी आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर पाओगे। इस तरीके से भी करोगे तो कुछ भी पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इसको भी मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। इसको स्क्वायर को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आपका आ जाएगा 50। अब इससे आप क्या ही निकाल लोगे, क्या कैसे इसको सॉल्व करोगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक इक्वेशन ही है, एक तरह से पैराबोलिक इक्वेशंस टाइप की हो जाएगी आपकी, कि एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है फिर टू एक्स वाई भी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अगर लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं ना, जैसे कई बार क्वेश्चंस की हम एग्जाम में लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो एक बार ऐसे लिख के देखना, एक बार ऐसे लिख के देखना। बट मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझो और इस तरीके से आप लोग फर्स्ट टाइम लिखो और आंसर सॉल्व करो, इसका करेक्ट सॉल्यूशन मतलब मार्क करो आंसर और आगे बढ़ जाओ टाइम विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। इसमें क्या होगा, आप लोग ऐसे लिखोगे, अगर अगर देखो एट द एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग हिट एंड ट्रायल करके कर सकते हो, फिर देखोगे कि यार इस तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे ही कर देते हैं। तो कई बार ऐसे मतलब करने पे हम लोग को बेनिफिट हो जाता है, और अगर ये न्यूमेरिकल टाइप में आंसर क्वेश्चंस है तो फिर तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप लोग कोशिश करना कि सॉल्व करने की, बहुत इजी क्वेश्चंस है क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का डायरेक्टली कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई आई थिंक मैंने जो 45 लिया है वो कैट में कहीं ना कहीं आया हुआ, आई थिंक कैट 2018 में आया है या कैट 2020 में, आई थिंक मेरे को याद नहीं है 2018 या 20 में है। अब से मैं कैसा कुछ अगर लिया करूंगा तो ईयर वगैरह कैट के डाल दिया करूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाओ सॉल्व करो और एंजॉय करो, बस एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स से फ्री के रहते हैं, मतलब ज्यादा टफ नहीं आता है। इसमें से 12-13 मार्क्स तो लोग लाते हैं और कई लोग 15 में 15 मार्क्स लाते हैं। अभी मैंने एक वो स्वागत है उसका इंटरव्यू लिया था, तो उसके 15 में से 15 मार्क्स आए हैं। इसमें क्या क्या सेक्शन होता है एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड में 4 सेक्शन होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है। 4 सेक्शन दिए रहते हैं गेट में, एक तो होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है आपका वर्बल एप्टीट्यूड, एक होता है आपका एनालिटिकल एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एक होता है आपका स्पेशियल एप्टीट्यूड, ये नया आया था 2022 में आई थिंक, एप्टीट्यूड सॉरी एप्टीट्यूड। तो ये 4 सेक्शन, इसको आप लोग आराम से करना। और इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ से सॉल्व करने, तो इसके लिए आपको गो पीडीएफ है ना, वो अभी लेटेस्ट वाली लॉन्च हो जाएगी, पीडीएफ लॉन्च हो जाएगी। कौन सा है, वॉल्यूम 1 में है ये सारा चीज, वॉल्यूम 1, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना आराम से, समझना चीजों को और क्वेश्चंस लगाना, और क्वेश्चंस भी आप लोग लगाना, और यहाँ पे जो डेली क्वेश्चन में एक अपलोड करूंगा उसका जरूर आप लोग सॉल्यूशन करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।